मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर क्यों है लालू प्रसाद यादव के मंत्रीगण, इस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं। सर, जिस प्रकार से कई मंत्रियों पर कह सकते हैं कि कार्रवाई की खबरें आ रही है, बातें आ रही है, उनके फैसले को निरस्त कर दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के जो दिग्गज मंत्री हैं उनका नकेल कस दिया है। आलोक मेहता के विभाग पर बड़ी कार्रवाई हुई है, उन्होंने 450 से ज़्यादा अंचल पदाधिकारियों का तबादला किया था और मुख्यमंत्री ने रोक दिया। अब सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो भी मंत्री हैं लालू यादव के करीबी या लालू यादव के चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, आगे के लीडर माने जाते हैं, उन्हीं के विभागों पर ज़्यादा गाज गिर रही है। नीतीश कुमार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले सुधाकर सिंह थे जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, जगतानंद उनके बेटे हैं, लगातार वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अधिकारियों को चोर लुटेरे कह रहे थे, तो उनको भी मंत्री पद खोना पड़ा, उनको हटना पड़ा। इसके बाद आपको पता ही है कि दूसरे मंत्री आए निशाने पर, चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, लगातार विवादित बयान दे रहे थे रामचरितमानस को लेकर और लगातार सुर्खियाँ बटोर रहे थे, तो उनको भी ठिकाने लगा दिया। शिक्षा मंत्री के विभाग में के पाठक जैसे आईएएस अधिकारी को उन्होंने तैनात कर दिया। के पाठक तो ऑपरेशन मास्टर हैं, जिस विभाग में जाते हैं उसका ऑपरेशन कर देते हैं, तो शिक्षा विभाग के लिए तो अच्छा हुआ कि के पाठक जैसा आईएएस अधिकारी आ गया और सुधार भी दिख रहा है बहुत जल्द, बहुत कम समय में। लेकिन मंत्री को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि मंत्री ने जब छेड़ा तो उसका जमकर जवाब दिया के पाठक ने। विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले तो गए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के जगह पर चले गए लालू यादव के पास, लालू यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री के पास भेज दिया, कोई मदद नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री ने फटकार लगा दी। 22 दिन से वो दफ्तर ही नहीं जा रहे हैं, मतलब शिक्षा विभाग बिना मंत्री के चल रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री शिक्षा विभाग के दफ्तर में नज़र नहीं आ रहे हैं 22 दिन से, तो जाएंगे भी किस मुँह से? प्रधान सचिव बहुत भारी पड़ रहे हैं उन पर, उनके सामने उनकी चल ही नहीं रही है, तो वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और तीसरे मंत्री आप आलोक मेहता का तो मैंने बता ही दिया कि उनके विभाग के तबादले पर रोक लगा दिया। चंद्रशेखर जो मंत्री थे शिक्षा मंत्री, उनका पर काट दिया। और मुझे लगता है कि अब आलोक मेहता की बारी थी, क्योंकि आलोक मेहता भी तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और आरजेडी के फ्रंट के लीडर हैं, कुशवाहा लीडर, तो उनके उन्होंने भी कई बार विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि EWS मतलब जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं फॉरवर्ड क्लास के लोग, 90 और 10 पर सवाल किया, हाँ उन्होंने, वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, जो भी फॉरवर्ड EWS का फायदा ले रहे हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो उन्होंने भी विवादित बयान दिया। तो जो विवादित बयान देते हैं या जो नेता बड़बोले होते हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार को पसंद नहीं है और उनको ठिकाने वो लगाते रहे। संजोग से 3 जो बड़े बड़बोले नेता हैं वो आरजेडी के ही हैं, तो तीनों को ठिकाने लगा दिया है। और तो क्या समझा जाए कि इस सरकार में नीतीश कुमार की पूरी दबदबा चल रहा है और लालू प्रसाद यादव यहाँ पर कह सकते हैं कि असहज स्थिति महसूस कर रहे हैं या क्या? तो विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा था कि नीतीश कुमार कठपुतली सरकार लालू यादव चला रहे हैं, तो इसका जवाब भी देना जरूरी था। तो नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से जवाब दे दिया है कि वो कठपुतली नहीं है और किसी के इशारे पर सरकार नहीं चला रहे हैं, वो खुद सरकार चला रहे हैं और खुद फैसले ले रहे हैं। क्योंकि लालू यादव के करीबियों के खिलाफ एक्शन लेना तो ये साबित करेगा ना भाई कि आप लालू यादव के दबाव में नहीं है। तो नीतीश कुमार के इस एक्शन से ये तो पता चलता है, संदेश मिलता है कि भाई भाजपा को शांत करके दबाव में नहीं है। देखिए, लालू यादव के करीबी केवल 3 मंत्रियों को ही नहीं नकेल कसा है नीतीश कुमार ने, एक सुनील सिंह जो उनके करीबी, सुनील कुमार सिंह जो MLC थे जिसको मान के चेयरमैन हैं, लालू यादव को बेहद करीबी हैं, बहुत भरोसेमंद हैं, उन पर भी नीतीश कुमार ने हमला बोला। और हमला का जवाब जब देने की कोशिश की सुनील कुमार सिंह ने, तो तेजस्वी यादव ने ही फटकार दिया उनको और अब चुप हो गए हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं।
तो लालू यादव के जितने करीबी थे जो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, उन सबको तो चुप करा दिया है नीतीश कुमार ने। दरअसल लालू यादव नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकते आज की तारीख में। नीतीश कुमार की भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नीतीश जी कुछ फैसला ले लेंगे। नीतीश कुमार की भी मजबूरी है कि ठीक है बीजेपी को छोड़ दिया है तो आरजेडी के साथ सरकार चलाना है, लेकिन लालू यादव की भी मजबूरी है, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो सरकार चलेगी नहीं, बनेगी नहीं जी। और नीतीश कुमार चले गए तो जो तेजस्वी यादव की ट्रेनिंग चल रही है वो अधूरी रह जाएगी जी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं जे डी प्रेस, बहुत सीख रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। तो लालू यादव चाहते नहीं हैं कि सरकार डिस्टर्ब हो, हाँ वो चाहते जरूर हैं कि उनके रहते तेजस्वी यादव स्थापित हो जाए। राजनीति में तो स्थापित हो चुके हैं, तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया है, अकेले चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ और 80 सीटें जीतने में कामयाब हुए जी। लालू यादव के पोस्टर बैनर का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो वो नेता के रूप में तो बन चुके हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं उनको स्वीकार कर चुके हैं अपने नेता के रूप में। लेकिन मुख्यमंत्री बनना अलग बात होती है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका कद और बढ़ेगा जी। तो लालू चाहते जरूर हैं कि मुख्यमंत्री बने और विपक्षी एकता में नीतीश कुमार को अहम भूमिका जब मिलेगी तो हो सकता है दबाव बढ़ाएं जी। लेकिन अभी तक तो नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए नहीं हैं, पहल तो उन्होंने ही शुरू की विपक्षी एकता की, पहली बैठक पटना में उन्होंने ही कराई, लेकिन अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का कौन संयोजक होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा पटना में भी चली और बेंगलोर में भी चली, लेकिन नाम तय नहीं हुआ, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि मुंबई में हो सकता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर रहना चाहती है, वो चाहती है कि वो ड्राइविंग सीट पर रहे और वहीं विपक्षी एकता को आगे बढ़ाए। तो नीतीश कुमार को अगर अहम रोल नहीं मिला तो मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे, तो लालू चाहते हैं उनको अहम रोल मिले, ज़्यादा व्यस्त हो जाए। तो क्या लालू का नहीं चल रहा है ओपोजिशन पार्टी मीटिंग में ज़्यादा कुछ, इसलिए नीतीश जी को कुछ बड़ा वहाँ मिल नहीं रहा है? नहीं, लालू यादव चाहते हैं, लेकिन अब तो ओपोजिशन में एक दल तो है नहीं, 26 दल हैं और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, सबसे ज़्यादा अहमियत उसी का है, कांग्रेस जो चाहेगी वही होगा। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती है और कांग्रेस सरेंडर करने के मूड में अभी नहीं है जी। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी की पदयात्रा हुई, पदयात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव में उनको सफलता मिल गई कांग्रेस को, उसके बाद उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और कांग्रेस भले ही कह रही है कि हम पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन जब बात आएगी पीएम बनाने की अभी तो ऐसा नौबत आने वाला अभी दिख नहीं रहा कि होगा, क्योंकि सीटों के शेयरिंग को लेकर पेंच फंसेगा। कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो पेंच फंसाएंगे, तो अगर सरकार बनाने की नौबत भी आ जाती है विपक्ष की तो पीएम कौन होगा ये तो कांग्रेस तय करेगी। तो अभी जो नेता नीतीश कुमार के निशाने पर हैं आप देख ही रहे हैं कि 3 मंत्री ठिकाने लगाए जा चुके हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ भी जब नीतीश कुमार थे तो उन्होंने कई मंत्रियों को ठिकाने लगाया था जी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के नेता चंद्रमोहन राय काफ़ी तेज तरार मंत्री थे, तो उनको भी मंत्री पद से हटाया गया, फिर दोबारा मंत्री बनाया गया तो उनका कद घटा दिया गया। राधा मोहन सिंह भी यहाँ पहले मंत्री हुआ करते थे जी। उनको भी औकात नीतीश कुमार ने बताया और उन्होंने राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति शुरू कर दी जी। तो कई ऐसे बीजेपी के भी नेता थे जो बड़बोले थे, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, हाँ, तो सबको ठिकाने लगाया नीतीश। तो यह माना जाए कि नीतीश कुमार दबाव बर्दाश्त नहीं करते हैं और जब जिसको माकूल जवाब देना होता है वह अपने तरीके से दे देते हैं, मुंह से नहीं देते हैं। देखिए नीतीश कुमार शुरू से ही बीजेपी के साथ भी रहे तो अपने शर्तों पर ही सरकार चलाते रहे जी। कभी उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी दबाव में काम अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, और लालू यादव तो खुद सेकुलर नेता है जी, यहाँ तो ऐसा वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन लालू यादव पर आरोप लगता रहा है भ्रष्टाचार का, उसको लेकर बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता नीतीश कुमार की घेराबंदी करते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा है कि आप तबादला रोक करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं कि तबादले में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो एक तरफ तो आप पाक साफ होने का प्रमाण दे रहे हैं जी, दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं तेजस्वी यादव उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा से याद आया, उनका एक बयान आया कि ट्वीट आया, नीतीश कुमार का उम्र बढ़ने से सठिया गया, ऐसे शब्दों को कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल? राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सब नेता कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं जी। और आज तो उन्होंने एक बहुत बाकायदा पत्र लिखा है और आलोक मेहता के विभाग के तबादले पर रोक को लेकर कई सवाल नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा है। तो तबादले पर रोक के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, लेकिन ये पहली कार्रवाई नहीं है। नीतीश कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आरजेडी के लालू यादव के करीबी 3 मंत्रियों के नकेल कस चुके हैं, चौथे नेता थे सुनील कुमार, उनको भी ठिकाने लगा चुके हैं। और अब देखिए आगे एक नाम कार्तिक मास्टर का भी आता है, शपथ लेते हैं इस्तीफा हो गया था 2 सप्ताह, लेकिन वो तो कार्तिक मास्टर पर केस था, मुकदमा था, उनके खिलाफ वारंट जारी था, इसलिए उनको बाहर करना पड़ा। लेकिन लालू यादव के करीबी यही 3 मंत्री हैं जो बड़बोले भी थे और फ्रंट के खिलाड़ी थे, तीनों का पर काट दिया है नीतीश कुमार ने। तो संदेश तो देने में कामयाब रहे हैं कि भाई सरकार हम चला रहे हैं, चिंता मत करिए, लालू यादव नहीं चला रहे हैं। चलिए, तो ये बातें हम समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से, तमाम बातें बाकी और बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद। अखिलेश जी का पता ही ना, अखिलेश जी का।